आपको बताएं कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का कल से आगाज हो रहा है। निजी स्कूल के मुतअद्दिद उम्मीदवार एडमिट कार्ड के हुसूल से महरूम हैं। तालिबात और वालदैन का एडमिट कार्ड न मिलने पर इत्तेजाज। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक एडमिट कार्ड स्कूल को इरसाल किए गए हैं, जिम्मेदारी स्कूल्स पर आयद होती है। उम्मीदवार फौरी तौर पर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से राबता करें, नए कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हामिदुर रहमान से। हामिद बताइएगा कितने तलबा मुतासर हुए हैं? जी कल मैट्रिक के जो सालाना इम्तहानात है कल से उनका आगाज हो रहा है, लेकिन खातून पाकिस्तान स्कूल की तकरीबन 10 से ज्यादा तालबात ऐसी हैं जिनको अब तक जो है वो एडमिट कार्ड जारी नहीं हो सके हैं। स्कूल इंतजामिया का ये कहना है कि ऐसी तालबात है जो जिनकी हाजिरी मुकम्मल नहीं थी, जिसकी वजह से इनके एडमिट कार्ड रोक दिए गए थे। अब इनको एडमिट कार्ड बोर्ड ऑफिस से जारी होंगे, जबकि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के चेयरमैन है सईदुद्दीन साहब, उनका यह कहना है कि स्कूल को हमने एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे, स्कूल की जिम्मेदारी थी कि उनको एडमिट कार्ड देता। तहम इन्होंने अब तालबात से ये दरख्वास्त की कि वो एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए फौरी तौर पर जो है वो बोर्ड ऑफिस रब्ता करें, इनको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, इस तरह वो इम्तहान में शरीक हो सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हामिदुर रहमान, अपडेट कर रहे थे कराची से।